हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स बीसीएस 012 ब्लॉक 2 अलजेब्रा 2 यूनिट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। इस फॉर्म में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है नंबर्स पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो प्लेन हमारा क्या है, देखो कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब इस प्लेन पे ना कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे वाई और वाई डैश, ये तो आप सबको पता होगा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स और ये एक्स डैश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर दिया है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम लेट के हम पी लेते हैं, इस पॉइंट में अगर कोई वैल्यू दी है एक्स या वाई कुछ भी, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो ये जो हमारा x पार्ट है ये हम रियल पार्ट को शो करेगा, जो y है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इस तरह से। ठीक है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अ प्लेन, ठीक है, पॉइंट्स में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें, तो एग्जाम्पल पे मान लो कि आपके पास दो पॉइंट गिवन है। ठीक है, मान लो दो पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है क्या, 4 और 3। ठीक है, और आपको बोला है कि इसको रिप्रेजेंट करो इन कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 4 प्लस आयोटा 3। या फिर लेट की अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी गिवन है जो क्या है, -3 -4 आयोटा। अब इसमें पूछा गया है कि आपको पॉइंट बताने हैं, पॉइंट बताने हैं, तो आप क्या बताओगे, क्या क्या है इसमें, -3 और -4, ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक नेक्स्ट पे चलते हैं हम, जो क्या है हमारी पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पोलर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है इसके अंदर, ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि ये एक प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन के ऊपर ये y और ये हमारा x, सॉरी सॉरी ये y डैश, ये x डैश और ये x। ठीक है, अब यहाँ पर लेट की कोई p पॉइंट दे रखा है जिसमें हमें x और y वैल्यू दे रखी है। इसके बाद में देखो, यहाँ से लास्ट वीडियो में हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। ठीक है, अगर ओरिजिन से कोई भी यहाँ से डिस्टेंस बता दे, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट R में मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये मतलब ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या बताता है, हमारा मॉडुलस बताता है। ठीक है, मॉडुलस निकालना हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया, मतलब यहाँ से इसकी दूरी डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये अब इसके बाद में ये वाला पॉइंट यहाँ से अगर मैं इसको मतलब मैच करूं, ठीक है, ये कितने 90 डिग्री पर एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से इतना डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाई हो गया, और यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस क्या हो गया, हमारा एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ अलग से, जिसमें हम ठीक से लिख लेंगे सारे पॉइंट्स। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है ना यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जब हम पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है हमारे पास आर। ठीक है, आर निकालते हैं सिंपल मॉडुलर की तरह हम आर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है थीटा। थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारा थीटा है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर बोलेंगे, ये क्या हमारे पास वाई है, और ये क्या हमारे पास एक्स है। तो इस ट्रायंगल को देख के आपको याद आ रहा होगा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जब ये कुछ इस तरह से ये लिखा था, ये हमारा साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये कोस को और ये
10 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको ये पता करना है, देखो ये हमारा क्या है पी और बी, तो इसके अंदर पी और बी क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर ये हो गया 90 डिग्री का एंगल ये है, ठीक है। और ये क्या है इसका बेस और ये क्या है इसकी हाइट। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालने की कोशिश करूँ, ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या होता है पी और एच, पी और एच में क्या आएगा वाई है पी, पी की वैल्यू, ठीक है, और एच की वैल्यू क्या है हमारे पास आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है। अब सेम अगर मैं यहाँ पर कॉस के लिए निकालना चाहूँ तो कॉस के लिए हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच क्या है बी ये, ठीक है, एक्स, और एच क्या है हमारे पास आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये सबको याद ही होगा। तो इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से अगर हम वी एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे कॉस थीटा आर कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ से हमें ये मिल गया। अब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, एक हमारा जो हम प्लेन फिगर होता है उस पे, ठीक है, कार्टिजन प्लेन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो आई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ये रही, एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली ना यहाँ से, एक्स की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा, तो वो यहाँ पर सिंपल पुट करनी है आर कॉस थीटा आयोटा, वाई की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे आर साइन थीटा। अब आपको इन दोनों में से आर कॉमन ले लेना है, ठीक है, तो आपके पास ये क्या बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट करना आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारी जो थीटा की वैल्यू है ना, ये कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, पाई से लेकर माइनस पाई के बीच में लाई करेगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू मेनली ये माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है कि आपको रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर दिया है जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। अब इस नंबर को आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, चेंज करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में हमें पता है सबसे पहले हमें आर ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें थीटा ढूंढना पड़ेगा। तो आर क्या होता है हमारे पास मॉडुलस होता है, तो मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे मॉडुलस इक्वल्स टू, तो यहाँ पर देखो एक्स का कॉफिशियंट क्या है, एक्स तो 1 ही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का कॉफिशियंट, मतलब वाई क्या है यहाँ पर जो आयोटा के साथ में जो भी लिखा होता है वो होता है ना, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास वो भी क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ गई हमारे पास मॉडुलस, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास √2, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसके आगे देखो, अब हमें क्या निकालना है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, टेन थीटा हमें पता है क्या होता है, टेन डैश थीटा क्या निकाल सकते हैं हम, वाई अपॉन क्या होता है एक्स, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, ठीक है, यहाँ पे इसे आप देख भी सकते हो पी अप पी बाय बी, ठीक है, तो वाई अपॉन एक्स ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं तो वाई क्या है आपके पास में 1 और एक्स क्या है आपके पास में 1, तो यहाँ से जो आपका थीटा डैश है वो क्या निकल के आया पाई बाय 4, क्योंकि आपने एक टेबल याद की होगी जिसके अंदर साइन की वैल्यू होती है, ये मतलब थीटा जो 1 है, टेन थीटा 1 कब होता है 45 पे, ठीक है। तो जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे पोलर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे जेड इक्वल्स टू आर, आर हमारा क्या निकला है √2 कॉस पाई बाय 4, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस √2 साइन पाई बाय 4, ठीक है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यहाँ पर आयोटा लिखना मत भूलना, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रह जाएगा, ठीक है। या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आप लिखोगे कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।